श्री सीमेंट ये है पहला स्टॉक और रतन पंजवानी का सवाल है इनके पास है 125 शेयर श्री सीमेंट के इन्होंने से 18,900 पर खरीदा है प्रकाश जी लॉस भी हो रहा है 1,957 ऑलमोस्ट 2,000 रुपए पर शेयर देखिए बेसिक स्ट्रक्चर श्री सीमेंट का पॉजिटिव है करेक्ट हाई भी देखा कुछ 20,000 के आसपास फिर करेक्शन देखा और जो लो से बाउंस मिला है 14,000 के आसपास ये अच्छा लो है मुझे लगता है इनको यहाँ पर ऐड करना चाहिए पहला तो होल्ड कीजिए दूसरा ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए यहाँ पर ऐसा भी करेंगे तो अच्छा रहेगा एक दो साल में अच्छा मुनाफा हो सकता है ठीक है तो श्री सीमेंट होल्ड कीजिए ऐड करना चाहे तो ऐड भी कीजिए एक दो साल आपको इसमें समय देना होगा एबर्ट ये है सुमेर राज सिंह के पास एबर्ट के इनके पास है 100 शेयर 7,600 रुपए इनकी बाइंग प्राइस इसका भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करेक्शन आते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है मुझे लगता है 10,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा वक्त लगेगा शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आती है तो बाइंग का मौका मिलता है 6,000 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है होल्ड कीजिए मार्क्स एंड फार्मा कटक से सौरभ होल्ड करते हैं 4,000 शेयर 33 इनकी बाइंग प्राइस है वेल ये स्टॉक में होना नहीं चाहिए है साइडवेज जोन क्लियर कट ट्रेंड मिसिंग है मौका मिलेगा अप मुंह के आसपास तो निकल जाना चाहिए 40 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है निकल जाइएगा कोशिश कीजिए यस बैंक अगला स्टॉक 200 शेयर 176 रुपए की खरीद मीरा जी का सवाल है पुणे से मुझे इनका पता नहीं इनका नजरिया क्या है ट्रेडिंग का है या निवेश का है मुझे लगता है 150 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से बाउंस लगता है कि शायद वो लोग संभल जाए इसलिए अपमूव हो सकता है लेकिन क्लियर कट फिलहाल ट्रेंड मिसिंग है लेकिन रेसिस्टेंस कहूंगा 200-230 के आसपास है अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो ऊपर चला जाता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बंगलुरु से अनीश होल्ड करते हैं 1700 शेयर है इनके पास इन्होंने से खरीदा 115 रुपए पर 140 में बेच दीजिएगा वहां तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए वक्त लग सकता है होल्ड डाबर नासिक से विजय होल्ड करते हैं 100 शेयर 480 में खरीदा है इन्होंने नथिंग टू वरी होल्ड कीजिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 350 के आसपास है इसमें जो भी डिप्स मिलती है खरीदारी का मौका बनता है टारगेट मुझे 500 की तरफ लगता है वहां तक जाएगा लेकिन वक्त लगेगा डाबर अच्छा स्टॉक है ओके होल्ड की सलाह डाबर में अगला स्टॉक जेबी केमिकल पुणे से रीमा होल्ड करती हैं 100 शेयर 341 में खरीदा इन्होंने नथिंग टू वरी होल्ड कीजिएगा स्ट्रक्चर पॉजिटिव है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 250 के आसपास है 350-450 का जोन भी देखेंगे होल्ड कीजिए कॉफी डे चंडीगढ़ से अभिनव के पास है 200 शेयर 281 बाइंग प्राइस यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं 320 का जोन देख सकते हैं 340 भी आ सकता है स्ट्रक्चर पॉजिटिव है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 250-260 के आसपास है साइडवेज मूव मिल सकता है लेकिन नथिंग टू वरी होल्ड कीजिए कॉफी डे यूपीएल भोपाल से अमित होल्ड करते हैं 10 शेयर 690 की खरीद बढ़िया स्टॉक है स्ट्रक्चर पॉजिटिव है होल्ड कीजिए 900,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा वक्त लगेगा करेक्शन सा लगता है करेक्शन खत्म हो गया और लोअर लेवल पे 600-650 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यूपीएल में आईटीआई लिमिटेड मुंबई से जयेश होल्ड करते हैं 590 में खरीदा इन्होंने ये स्टॉक भी होल्ड करना चाहिए आज बढ़िया दिन है काफी लोग होल्ड करने की सलाह देते हैं मुझे लगता है 80 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मुझे लगता है 130 के करीब जाना चाहिए आज अच्छे स्टॉक्स आ रहे हैं ओके सो आईटीआई भी एकदम होल्ड का कैंडिडेट 130 का टारगेट देख रहे हैं प्रकाश जी इसमें किर्लोस्कर ऑयल दिल्ली से दीपक के पास है ये स्टॉक 349 रुपए की खरीद रही है 100 शेयर होल्ड करते हैं थोड़ा करेक्शन आया है इसमें लेकिन जो अभी करेक्शन है ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है खत्म हो गया मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा नीचे मोह मिलेगा पॉसिबल है कि ऐसी जगह पर है यहीं से एक बाउंस मिले अगर इनको स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए 190 का और होल्ड कीजिए अप मूव मिलेगा 250 और 300 तक जा सकता है लेकिन इसमें थोड़ा रफ राइड है आगे लेकिन अप मूव ऑन है दीवान हाउसिंग चंडीगढ़ से वीरेंद्र पूछ रहे क्या किया जाए इसमें 370 रुपए पर खरीदा है 100 शेयर है सबसे पहले इनको स्टॉप लगाना चाहिए 170 का ब्रेक हो जाएगा तो 200 रुपया नुकसान होगा लेकिन जरूरी है होना चाहिए लेकिन अब होल्ड कर सकते हैं अगर अप मूव मिलता है तो 300 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वहां चला जाता है तो एक फ्रेश लुक लीजिएगा लेकिन आपकी कॉस्ट बहुत ही हाई है 370 तो होल्ड कीजिए ये एक सलाह है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर RCF नासिक से सतीश के पास है 61.50 रुपए की खरीद रही है
2000 शेयर है इनके पास। बहुत अच्छी जगह पे लिया उन्होंने, जगह ऐसी लिया जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है, इसलिए स्टॉप लगाइए 55 का, होल्ड कीजिए। अपसाइड अगर मिलता है तो 70-75-80 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या एक दो साल का नजरिया है तो शायद 80-85 भी मिल सकता है। तो होल्ड कीजिए, जगह अच्छी है जहाँ आपने खरीदा है। ओके, सो शॉर्ट टर्म टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट दोनों बता दिए प्रकाश जी ने, और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतने ही सवाल।